और बड़ी खबर सबसे पहले, देश में कोरोना से हाहाकार मचा है। एक दिन में रिकॉर्ड 2,16,000 से ज्यादा केस सामने आए। 24 घंटे में कोरोना से 1,100 से ज्यादा की मौत हुई है। 2,16,000 से ज्यादा केस 24 घंटे में रिकॉर्ड किए गए। दिल्ली, यूपी और महाराष्ट्र में रिकॉर्ड तोड़ कोरोना केस आए हैं। यूपी के 10 जिले ऐसे हैं जहां पर कोरोना कर्फ्यू का समय एहतियातन बदल दिया गया है। 10 जिलों में अब रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक कोरोना कर्फ्यू लागू किया जाएगा। अब और यूपी के सभी स्कूल 15 मई तक के लिए बंद करने का भी फैसला ले लिया गया है। इससे पहले सीबीएसई बोर्ड का बड़ा फैसला आया था, अब यूपी बोर्ड ने भी बड़ा फैसला लिया है। 10वीं और 12वीं की परीक्षा अभी के लिए टाल दी गई है। पूरे राजस्थान में आज शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक रात का कोरोना कर्फ्यू लगा दिया जाएगा। ये कोरोना कर्फ्यू 30 अप्रैल तक जारी रहेगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज शाम 5 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक वीकेंड कर्फ्यू भी लागू करने का फैसला किया है। इस दौरान जरूरी सेवा को कर्फ्यू के दायरे से बाहर रखा गया है। लोगों के लिए बेहद खतरनाक कोरोना की दूसरी लहर, बड़ी खबर। दिल्ली में 8 महीने से 12 साल तक के बच्चे गंभीर रूप से हो रहे संक्रमित। हरियाणा में दूसरी लहर में 8% बच्चे हुए संक्रमित। गाजियाबाद में 130 बच्चे हुए कोरोना संक्रमित। ये बड़ी खबर हमारे सामने है। सूरत में कोरोना संक्रमित से 14 दिन के मासूम की अस्पताल में मौत। सीधे ये यहां पर जो फैक्ट से प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होने से बच्चे हो रहे हैं संक्रमण का शिकार। ऐसा नहीं है कि सिर्फ धार्मिक आयोजन में ही लोगों का हुजूम इकट्ठा हो रहा है। जिस राज्य में चुनाव है वहां पर भी कोरोना हर नए दिन के साथ विकराल होता जा रहा है। रैलियों, जनसभाओं और रोड शो में शामिल होने वाले लोग ना सिर्फ कोरोना संक्रमित हो रहे हैं बल्कि उनकी मौतें भी हो रही हैं। सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि इतना सब होने के बावजूद देश के कई राज्यों में पंचायत चुनाव और उपचुनाव किए जा रहे हैं। अगर हालात ऐसे ही बने रहे तो आने वाले वक्त में कोरोना भीषण कहर बरपाएगा और इसकी कीमत इंसान चुकाएगा।